तो इस तरह इस पोजीशन में मैं लगाता हूं, क्योंकि यहां इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं। खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर आपके पास अच्छी डिश है, गहराई वाली डिश है और फोकल पॉइंट ठीक है, लोग देख लें, कमरा भी और आगे दरख्त भी हैं, फिर भी सिग्नल ओके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फरहान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फरहान डिश इलेक्ट्रिकल। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 4 फीट की डिश का रिज़ल्ट, ठीक है। आज की डेट में कितने जो चैनल हमें रिसीव हो रहे हैं और कौन कौन सी टीपीज रिसीव हो रही हैं और कितने चैनल जो हमें पूरे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा 4 फीट की डिश पर। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले फिर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर आप चेक कर लें, ये मेरी 4 फीट की डिश है और यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में LNB को लगाया है। तो इस तरह इस पोजीशन में मैं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं। और आपके पास अच्छी डिश होनी चाहिए, गहराई वाली डिश जो सी बैंड के लिए होती है। और एक और खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छी डिश है, गहराई वाली डिश है और फोकल पॉइंट ठीक है, LNB की पोजीशन ठीक है, अच्छी डिश आप फिट कर लेते हैं, तो काफ़ी कोशिश के बाद आपके पास हम जो है ना हम नेटवर्क वो भी कम्प्लीटली तौर पर मुकम्मल रिसीव होगा। मेरे पास ऑलरेडी इसी डिश पर मैंने कल फिट किया है तो मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। मैंने कल चेक किया और अभी आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने LNB की पोजीशन हॉरिजॉन्टल रखनी है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में भी आ जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल के जो सिग्नल हैं वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। अगर आपका फोकल पॉइंट अच्छा है तो आप ये देखें LNB जो है ना वो 40 पर रख सकते हैं, ठीक है, 40 पर और 42 पर, ये आपके राडों के नस्बत होता है, राडों पर कि राड आपके बड़े हैं या छोटे हैं। तो अभी चलते हैं TV स्क्रीन पर, DVD के ऊपर, और वहाँ पर मैं चैनल लिस्ट दिखाऊंगा, चैनल तो नहीं वैसे चैनल लिस्ट में आपको चेक कराऊंगा और TPs की सिग्नल भी दिखाऊंगा और हम TV वाली भी TP जो है उसके भी सिग्नल दिखाऊंगा कि कितने मेरे पास सिग्नल आए 4 फीट के डिश पर। तो जी फ्रेंड, ये आप यहाँ पर देख लें, ये जो है ना PT स्पोर्ट वाली TP के सिग्नल 70% मेरे पास हैं, ठीक है, अभी भी स्टेबल नहीं है। मेरी डिश नीचे है ना इसलिए ये सही नहीं आ रहा, अगर मैंने डिश को छत पर रखा होता तो और ज़्यादा रिजल्ट मिलता। तो यहाँ पर इस TP के सिग्नल देख लें, ओरिजिनल सिग्नल जो वो भी दिखा देता हूँ, पीछे चैनल भी चल रहा है। और यहाँ पर ये देखें ओरिजिनल सिग्नल और TP देख रहे हैं 4004 और हॉरिजॉन्टल 15555, ये इसकी TP है। और आगे भी चैनल और दिखाता हूँ कौन कौन से चैनल वर्क कर रहे हैं, ये PT स्पोर्ट वाली है। और ये बता दूं कि PT स्पोर्ट पहले बिस्की पर चलता था, अभी ये बिल्कुल फ्री टू एयर हो गया, बिस्की कोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम यहाँ पर टोटल चैनल की बात कर लें तो यहाँ पर 95 चैनल हमें रिसीव हुए हैं, क्योंकि 4 फीट की डिश पर यही रिसीव होंगे, बिल्कुल परफेक्ट तौर पर 4 फीट की डिश ये फिट है, ठीक है। तो इस पर यही रिज़ल्ट मुझे मिला है, आप लोगों को भी यही रिज़ल्ट मिलेगा 4 फीट की डिश पर अगर इस टाइप से आप करते हैं सेट। तो अगर 5 फीट की डिश पर सेट करते हैं तो वो तो बहुत बेस्ट रहेगा, फुल सिग्नल होंगे। और 8XM वाली जो TP इसके भी सिग्नल होने में पूरे रिसीव हुए हैं। ये लाहौर रंग जो चैनल है उसके सिग्नल आप देख लें। और आगे आ जाते हैं, ये हम वाला नेटवर्क ये देखें, ठीक है, ये देखें आप इसकी जो TP है वो आप नोट फरमा लें। इसके जो मैं पेड वाला चैनल है वो लगा लेता हूँ क्योंकि फ्री नहीं चलता, ये हम HD इस पर ओके करता हूँ और जूम पर लगाता हूँ तो ये देखें 67% काफ़ी अच्छे सिग्नल आ रहे हैं और यही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इतने ही सिग्नल आएंगे आप अच्छी सेटिंग करते हैं तो। ये देखें इसकी TP ये है, ठीक है, 41 CAT 16099, तो ये सिग्नल है इसके, ठीक है, हम वाली TP के। और मुकम्मल तौर पर जो ना ये हमें सारे के सारे जो ना रिसीव हो रहे हैं, ये हम स्टार हो गया, हम न्यूज़ हो गया, जूम सिग्नल पर मैंने लगाया और पीछे हम न्यूज़ जोन वर्क कर रहा है। और अभी आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर देख लें कि ये स्पोर्ट जो है ये भी हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, इसके भी सिग्नल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप इसके सिग्नल 56% सिग्नल है और 41 32 41 66 हॉरिजॉन्टल में, ये जो है ये TP है इसकी स्पोर्ट की। और हम आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर देख लें K2 HD फिल्मवर TV2Day, ये जो जितने भी मैं दिखा रहा हूँ ये सारे चैनल बिल्कुल ओके हैं, ये ग्लोबल हो गया, ऑन न्यूज़ हो गया, ये आप चेक कर लें, ठीक है, सारे के सारे जो है ना ये ओके हैं। और ये 92 न्यूज़ है, इसकी भी TPs आप नोट फरमा लें, ये देखें 40 24 और H5 99, यहाँ पर ये TP है। और आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर ये चेक कर लें कि
ये जो सारे चैनल है ये बिल्कुल ओके चल रहे हैं। ठीक है, ये जियो न्यूज़ है ये भी ओके। यहाँ पर मैं जियो कहानी लगा लेता हूँ क्योंकि ये पेड प्ले नहीं होगा, ये फॉरएवर पर प्ले होता है। यहाँ पर मैं इस बार ओके करता हूँ और इसके 56% सिग्नल है और 38, 14, 16, 854 और हॉरिजेंटल में ये जो है ना ये टी पी इसकी है जियो वाली। और मेन होता भी ये हम होता है और जियो होता है, ये तो हमारे पास बिल्कुल ओके ही वर्क कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर चलते जाएं तो दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़, K21, रावी, समा, अपना HD, अब तक और जलवा HD और ATXM, ये हमारे चैनल जो पूरे हो गए। यहाँ पर हम लगा लेते हैं जनाब ये जो है ना ATXM वाली टी पी, इसको ही यहाँ पर ATXM में लगाता हूँ और यहाँ पर सिग्नल चेक कर लें 67% और 38, 35, 64, 99। ठीक है, 64, 99 वर्टिकल में है ये टी पी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैं आप लोगों को चैनल लिस्ट भी चेक करा दी, आप लोगों को सारी और डिश भी चेक करा दी। डिश की सेटिंग अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पोजीशन में रखें, जिस पोजीशन में भी रखें डिश अच्छी होनी चाहिए, गहराई वाली होनी चाहिए, फोकल पॉइंट ठीक होना चाहिए और LNB अच्छी होनी चाहिए। बेहतर है आप 17K वाली जो LNB होती है वो ले लें, एक 12K वाली होती और एक 17K वाली, बेहतर है आप 17K वाली LNB लें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। और अगर छत पर भी रखेंगे आगे कोई चीज़ भी नहीं होगी तो फिर भी जो है ना सिग्नल अच्छे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे कमरा भी है फिर भी ये सिग्नल ओके हैं। ये मैं डिश के पीछे आ गया, अभी मैं आप लोगों को कमरा दिखाता हूँ। ये आप लोग देख लें, कमरा भी है और आगे दरख्त भी हैं फिर भी सिग्नल ओके हैं। तो व्यूअर, ये थी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना दी कि मेरे व्यूअर जो भी हैं वो सीख जाएं, कुछ नया नया सीखें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाया करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।